हरिद्वार में जिला पंचायत की बैठक हुई और जोरदार हंगामा इस बैठक में हुआ, या कह सकते हैं कि हंगामेदार ये बैठक। बड़ी खबर हरिद्वार से इस वक्त आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आपस में भिड़ गए। सुभाष वर्मा और राव आफाक अली के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। सदस्यों ने मामला शांत कराया। हंगामे के बीच कई प्रस्ताव इस दौरान पास भी हो गए। हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली और हंडजा उदयपुर सीट से सदस्य विजेंद्र चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तस्वीर देखिए, आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष। बैठक में प्रस्ताव तो तमाम पास हुए, लेकिन हंगामा क्या कहता है? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि प्रस्ताव पास होना लाजमी था क्योंकि जिला पंचायत की काफी दिनों बाद बैठक हुई थी, और चूंकि हरिद्वार की जो जिला पंचायत है वो यहाँ पर उसका कार्यकाल इस दिसंबर से पहले जो है समाप्त हो रहा है, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच जो खींचतान है, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पर भाजपा का है और उपाध्यक्ष कांग्रेस का है, दोनों की जो पार्टी खींचतान है वो अक्सर बोर्ड में दिखाई पड़ती है, और जिसका कारण जो है आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। दोनों एक दूसरे पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहते हैं, और फिलहाल जो है जिस तरह पूरी तरह से जो घटना आज कैमरे में कैद हुई है कि दोनों किस तरह बैठक में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अनियमितता के, इसके अलावा फिजूल खर्ची के आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बोर्ड है उसको, जो जिला पंचायत का बोर्ड है उसकी गरिमा को तो कलंकित करता ही है। इसके अलावा आने वाले समय में यही भी प्रतिनिधि हैं, दिसंबर के बाद चुनाव होने हैं, यही अपना चेहरा लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो आखिर की जनता इनको कैसे वोट देगी, क्या कहेंगे, तब जनता से क्या कहेंगे और हमारा चरित्र क्या कहता है, और ये जो हंगामा हम बैठकों में करते हैं, जो बैठकें जनता के लिए होनी चाहिए उन बैठकों में अगर इस तरीके से हंगामा होगा, जाहिर सी बात है जनता के लिए होने वाले तमाम काम भी प्रभावित होंगे। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए।